पुराण का महात्म्य क्या है? शौनक आदि ऋषि एक बार प्रयाग में इकट्ठा हुए। वैसे तो सामान्य रूप से नैमिषारण्य में इकट्ठा होते हैं, इस बार प्रयाग में समागम हुआ संतों का। प्रयाग में भी समागम होता रहा है। मुद मंगलमय संत समाजू, जिम जग जंगम तीर्थ राजू। जंगम तीर्थ प्रयाग उनको कहा गया है, इसलिए जहां संत समाज होता है या तो उस जगह को प्रयाग कह दिया जाता है, और या प्रयाग में संतों का समाज होता है तो वो भी होता ही है। जो भी हो, लेकिन सारे ऋषि महर्षि एक जगह पर इकट्ठा हो गए, वो स्थान प्रयाग हो गया, और सूत जी आ गए संयोग। और सूत के आने से सब ऋषि मुनि प्रसन्न हुए, क्योंकि सूत जी व्यास जी के साक्षात शिष्य हैं। व्यास जी ने जैसे सुखदेव जी को पुराण पढ़ाए, वैसे ही सूत जी को भी सब पुराण पढ़ाए। बहुत बड़े मर्मज्ञ हैं पुराण कथा के वाचक होने के कारण, और उनका नाम है लोमहर्षण। इतने अच्छे से कथा सुनाते हैं कि रोए खड़े हो जाते हैं, रोमांच हो जाता है लोगों को उनकी वाणी को सुन करके। इतनी सुंदर कथा सुनाने वाले सूत जी को देख करके ऋषि मुनि प्रसन्न हो गए। हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांतविद प्रभो, आख्या ही में कथा सारम पुराणा नाम विशेषतः। अरे सूत जी, आप तो सब सिद्धांतों को जानते हैं, हम लोगों को पुराणों की कथा सुनाने का अनुग्रह करिए, कृपा करिए। क्यों? क्योंकि अंतःकरण जब मलिन हो गया हो, जब दुर्बुद्धि उत्पन्न हो गई हो, जब काल ही हमारे विपरीत हो गया हो, ऐसे समय में ये जो पुराणों में वर्णित भगवत कथाएं हैं, भगवान के गुणगण हैं, उनका कीर्तन करने से, उनका कीर्तन श्रवण करने से पवित्रता अंतःकरण में आ जाती है। मन के जो कलमश हैं, वही हमको समस्या में डालते हैं। अगर वो कलमश हट जाएं, तो हमको सुख प्राप्त हो जाता है। तो अपने अंतःकरण के दोषों को हटाने के लिए सबसे अच्छा रसायन, सबसे अच्छी दवा हम पुराणों की कथाओं के श्रवण को मानते हैं। और आप पुराणों के मर्मज्ञ हैं, तो कृपा करके हमको बताइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाए। सूत जी ने कहा, अरे वाह, ये अच्छा है। जो सुनाने वाला होता है उसको सर्वाधिक प्रसन्नता कब होती है? जैसे सुनने वाले को कोई सुनाने वाला मिल जाए तो प्रसन्नता होती है, ऐसे ही सुनाने वाले को कोई सुनने वाला मिल जाए तो उसको प्रसन्नता होती। तो सूत जी ने कहा, हमको तो आप लोगों को देखते ही प्रसन्नता हो गई, और आपने जब ये प्रार्थना कर ली कि हमें पुराणों की कथा सुनाइए, तब तो आप लोगों के लिए धन्य धन्य कहने का मन हो रहा है। धन्यस्त्वं मुरिशार्दूल श्रवण प्रीतिलालसः अतो विचार्य सुधया वचमि शास्त्रं महोत्तमम्। आप लोग चूंकि उत्तम श्रोता हैं, इसलिए आप लोगों को कुछ भी हम नहीं सुना सकते। वचमि विचार्य, बहुत विचार करके जो उत्तम उत्तम है वही वही आपको सुनाने का मैं प्रयास करता हूं। सुनाने को तो कहो बहुत कुछ सुना सकता हूं, लेकिन सब नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि आप लोग उत्तम श्रोता हैं। और सुनिए, ऐसा पुराण आपको सुनाना चाहता हूं जो केवल आपको नहीं, इस संसार के सबसे बड़े जो ज्ञानी हैं उनको भी प्रसन्न कर देता है। और सबसे बड़ा ज्ञानी कौन? ज्ञानम इच्छेत्तु शंकरात्। किसी को ज्ञान की इच्छा हो तो शंकर के पास जाना चाहिए, क्योंकि शिव जी से बढ़कर के दूसरा कोई ज्ञानी है ही नहीं। जो सबसे बड़े ज्ञानी हैं, उनको भी जिस बात को सुनकर के प्रसन्नता हो जाती है, वो सिद्धांत आपको हम सुनाने जा रहे हैं। काल व्याल महात्रास विध्वंस करम उत्तमम
शैवम पुराणम परमम शिवे नोक्तम पुरा मुने। ये मुनि ये जो सुनाऊंगा ये काल रूपी सर्प जब किसी के पास आ जाता है तो उसको बहुत बड़ा त्रास हो जाता है। उसको लगता है कि ये सांप अब हमको काट लेगा, डस लेगा और इसके डसते ही हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, तो बहुत बड़ा हृदय में भय उत्पन्न हो जाता है। इस संसार में सबसे बड़ा भय अगर कोई है तो वो मृत्यु का है। हर आदमी डरता है कि मैं मर न जाऊं। अभी अगर एक पत्थर यहां से हम फेंकें तो आप उठ के भागेंगे। काहे भागोगे भैया? कि कहीं इस पत्थर के लगने से मेरी मृत्यु ना हो जाए, डर है। तो संसार में जो सबसे बड़ा भय मृत्यु लोक में मृत्यु का लोगों को लगा हुआ है, इससे बढ़कर के दूसरा कोई भय नहीं। इस भय को भी दूर कर देने वाला ये पुराण होगा। जो इस पुराण को ठीक से सुन लेगा, जो इस पुराण को ठीक से समझ लेगा, वो संसार के किसी भय से भयभीत नहीं होगा। सबसे बड़ा भय है मृत्यु का, मृत्यु के भय से भी वो भयभीत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये भगवान शिव के द्वारा ही कहा गया है और वही तो कालों के काल है, महाकाल। तो जब महाकाल का वाक्य हमारे पास है तो काल से हमको क्या डर है? इस तरह से व्यक्ति के भय मन में जो भय है वो भय निकाल देने वाला जो पुराण है उस पुराण को आपको हम सुनाते हैं। और ये पुराण कोई हमने स्वयं अपने मन से नहीं रच दिया, ये परंपरा प्राप्त है। सनत कुमारस्य मुने रूपदेशात् परादरात् व्यासे नोक्तम तु संक्षेपात् कलिजानाम हिताय च। कलियुग में जो लोग उत्पन्न हैं उनके कल्याण के लिए बहुत पहले सनत कुमार आदिक ने व्यास जी को इस पुराण का उपदेश किया था, वही व्यास जी ने हमको पढ़ाया है और वही पुराण आपको हम सुनाने जा रहे हैं। ये सामान्य अवसर नहीं है। लगता है कि आप लोगों का जन्म जन्मांतर का जो पुण्य है वो पूंजीभूत हो गया है और पूंजीभूत होकर के वो फलदायी हो गया है। इसी समय वो फल अपना देने के लिए तैयार है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जिसका जन्मांतर का पुण्य उदित हो जाता है तस्य प्रीतिर भवेत तत्र, उसी की इस पुराण में प्रीति होती है। जिसका पुण्य उदित नहीं होगा उसका मन नहीं लगेगा, उसको उच्चाटन हो जाएगा। वो यहां से जाकर के चाय की दुकान में बैठेगा और वहां पर राजनीति के गप लगाएगा, गांव के लोगों की निंदा करेगा और खुश हो जाएगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। पुराण सुनने में उसकी रुचि नहीं हो सकती। पुराण सुनने में तो उसकी रुचि होगी जिसके जन्म जन्मांतर के पुण्य पुंज उदित होकर के उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाले होंगे। भगवान शिव की कृपा जिनके ऊपर हो गई उन्हीं लोगों का मन लगेगा। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। ये जो सरोवर है इस सरोवर के किनारे आना बिना भगवान की कृपा के संभव होता नहीं। इसलिए इस शिवपुराण के श्रवण में उसी व्यक्ति को अधिकार मिलेगा, उसी व्यक्ति का मन लगेगा जिसके ऊपर भगवान शिव कृपालु हो गए होंगे, अपने पास अपनी कृपा में उसको रखना चाहते होंगे। सदा श्रोतुम, ये पुराण कैसा है का जो लोग पुराण के प्रेमी हैं वो हर समय पुराण सुनते रहते हैं। अगर अशक्ति हो जाती है, सुनने में कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो क्या करते हैं? कम से कम एक मुहूर्त रोज। एक मुहूर्त का मतलब होता है दो घड़ी, दो घड़ी का मतलब होता है 48 मिनट। 24 मिनट की एक घड़ी होती है, जो पुरानी गणना है वो घड़ी की है। हालांकि घड़ी सब लोग आजकल पहने हैं,
लेकिन समय पुराना नहीं देखते। यही अंग्रेजों की बड़ी चाल थी कि उन्होंने शब्द हमारे लिए और अर्थ अपने भर दिए, घड़ी नाम हमारा ले लिया और उसमें गणना अपनी भर दी, मिनट सेकंड, जबकि हमारे यहाँ कला विकला अंश ये सब था। तो नाम हमारे ले लेते हैं, काम अपना भर देते हैं। तो ये जो घड़ी है ये हमारे यहाँ 24 मिनट की एक घड़ी होती है और दो घड़ी का एक मुहूर्त होता है, माने 48 मिनट का। वो एक मुहूर्त का समय कम से कम जो पुराण का प्रेम करने वाला है कम से कम प्रतिदिन 48 मिनट तो सुनता ही है, एक पीरियड कि भगवान की कथा सुन लेते हैं। कहते हैं सूत जी कि अगर किसी को इसमें भी बाधा हो, यदि प्रतिदिनम श्रोतुम अशक्तो मानवो भवेत, रोज अगर नहीं सुन सकते हैं तो पुण्यमासादिषु ने श्रुणुयात् शिव पुराणकम्, तो फिर किसी पुण्य महीने में किसी पुण्य अवसर पर शिव पुराण का श्रवण व्यक्ति को करना चाहिए। ये जो पुराण है इसका कोई एक मुहूर्त नहीं तो फिर उसका आधा, एक घड़ी नहीं तो कम से कम आधी घड़ी, और आधी घड़ी नहीं तो उसमें से भी आधी, ये मुहूर्तम वा तदर्धम वा तदर्धम वा क्षणम चवा ये श्रृणवंति पुराणम तन न तेषां दुर्गतिर भवे। इसी को अनुवाद करके तुलसीदास जी कह रहे हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। ये जरूरी नहीं है कि हम समय कम मिलता है तो सुने ही ना, जरूरी ये है कि जितना समय मिले उतने ही में ही हम कम से कम पुराणों का श्रवण कर लें। जैसे हर काम थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा खा लेते हैं, थोड़ा सा सो लेते हैं व्यस्तता के दिनों में भी, वैसे ही व्यस्तता के दिनों में जितना समय मिले उतने में सदग्रंथों का स्वाध्याय भी कर लेना चाहिए। इसका बड़ा महात्म्य है, शास्त्रों में बताया है कि सभी तरह के दान और सभी तरह के यज्ञों के करने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य शिव पुराण के श्रवण मात्र से मिल जाता है। ये जो शिव पुराण है इसमें 24,000 श्लोक हैं और 7 संहिताएं हैं। सबसे पहले है विद्येश्वर संहिता, उसके बाद है रुद्र संहिता जिसके कई 5 खंड हैं, फिर शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और 7वीं है वायवीय संहिता। 7 संहिताओं से सम्मिलित ये पुराण, किम श्रुतैर बहुविशास्त्रैः पुराणैश्च ब्रह्मावहैः शैवं पुराणमेकं हि मुक्तिदानेन गर्जति। सूत जी कहते हैं कि शिव पुराण एकमात्र पर्याप्त है। जैसे 1,000 जंगली पशु ला के खड़ा कर दो और एक शेर आकर के गरज दे तो हजारों भागने लगते हैं, ऐसे ही शिव पुराण जब तक गर्जना कर रहा है तब किसी और शास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। शिव पुराण मात्र का श्रवण, शिव पुराण मात्र का अध्ययन कोई अगर स्वाध्याय कर ले तो इतने मात्र से उसका कल्याण हो सकता है। इसीलिए सूत जी कहते हैं मैं इस शिव पुराण की वंदना करता हूं, वंदे शिव पुराणम ही सर्वदा हम प्रसन्नदीहि शिव प्रसन्नताम यायात दद्यात् स्वपदयो रतिम। मैं तो इस शिव पुराण की वंदना करना चाहूंगा, क्यों? क्योंकि यही हमारे भोग मोक्ष का कारण बनता है और ये चाहूंगा कि इसके वाचन से भगवान शिव प्रसन्न हो और अपनी शरण में हमको स्वीकार कर लें, हमको अपना आशीर्वाद प्रदान कर दें। ऋषिगण बड़े प्रसन्न हुए, शौनक जी को संकेत किया कि और आगे पूछिए। शौनक जी ने सब ऋषियों की ओर से कहा, महाराज
ये बात तो आपने ठीक कही कि भगवत कथा के अतिरिक्त तो दूसरा कोई साधन इस संसार में है नहीं। ये बात हमने अनेक पुराणों के श्रवण से और आपकी संगति से जान ली है, लेकिन महाराज एक बात आप बताइए, ऐसे कौन कौन से पापी हैं जो पुराण के श्रवण से शुद्ध हो सकते हैं? किन किन पापियों को ये पुराण तार सकता है? तो सूत जी ने कहा कि ये ऐसा साबुन है कि जैसा मैल हो हर मैल को काटता है, कोई मैल इसके सामने टिक नहीं सकता, बस एक बार इसमें डूब जाने की आवश्यकता है। साबुन जो है दूर से देख करके थोड़े आपको साफ कर दे, उसमें डूबना पड़ेगा, उसको रोए रोए में आत्मसात करना पड़ेगा। जो कपड़ा रोए रोए में साबुन को आत्मसात करेगा वो पोर पोर में शुद्धता को प्राप्त कर लेगा।